नहीं दादाजी, अब और दर्द आपके नसीब में नहीं है। मतलब? एक मिनट, अब ये क्या करेगा? सब मेरे टप्पू की वजह से हुआ है। ना ही मेरा टप्पू म्यूजिक बजाता और ना ही दया वो इतना भयानक नाचती और ना ही इसके नाच के डर से मैं खड़ा हो जाता। अरे वाह टप्पू वाह, अरे जो कोई नहीं कर पाया वो मेरे टप्पू ने कर दिखाया। अरे मेरे लाल आवतरे आवतरे। दादाजी मैंने आपके मोबाइल में सबके नंबर फिट कर दिए, आप कभी भी किसके साथ भी बात कर सकते हैं। अच्छा हाँ। या टप्पू अब मुझे ये बता इसमें सीखने जैसा क्या है? SMS। गैस? गैस नहीं, SMS। मतलब? देखो दादाजी अगर किसी का फोन ना लगे ना तो आप फोन के द्वारा मैसेज कर सकते हो। मैसेज मतलब क्या? संदेश। क्या इस फोन से संदेश भेज सकते हैं? तो फिर पोस्टमैन क्या करेगा? दादाजी आप भी ना। चल अब मुझे सिखा वो संदेश भेजने का सिखा। देखो मैं लिखता हूँ आई लव यू। मतलब? मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा हाँ। अरे वाह टप्पू, अरे मैं भी तुझसे कितना प्यार करता हूँ। ला ला मुझे दे। दादाजी ये क्या कर रहे हो? तुम क्या हुआ दादाजी आपने क्या किया? क्या हुआ? कोमल आंटी को मैसेज भेज दिया। ओ तारीनी ये तो घोटाला हो गया है। आई लव यू, हाउ डेयर, किसकी जुर्रत है ये? अरे ये देखो किसी ने मुझे आई लव यू का SMS भेजा है। मतलब तुम अब मेरी नहीं रहोगी? बकवास बंद करो और जिसने SMS भेजा है ना उसको डांटो। नो तो लाना उसमें क्या मैं बात करता हूँ। बटन कौन सा दबाऊं? हरा वाला ना। हेलो हेलो हेलो, बकवास बंद करो, तुमको शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत को आई लव यू कैसे मैं भेजता हूँ? लुच्चे ओवर। अरे कोमल बेटा शांत हो जा। अरे मैं चंपक बोलूं। आप मेरे हाथ की बनाई बाकरवड़ी खा के देखिए चाचा जी, आपको बहुत पसंद आएगी ये। इसका ऑर्डर लेती हूँ मैं, कैसी है? अच्छी है लेकिन मेरी दांतों से थोड़ी कड़क है। <उला। laughs> देवा माधवी काय झालो कुठे काय झालो? अरे वो टप्पू का फोन आया था मेरे मोबाइल पे, बोला कि जहाँ भी हो तुरंत घर पर चले आओ। क्या हुआ क्या? हेलो अंकल। टप्पू वो दादाजी को गायत्री मंत्र वाली रिंगटोन चाहिए थी। क्या रिंगटोन? हाँ। ये पकड़ जरा। एक रिंगटोन के लिए तुमने मुझे इस तरह भागते हुए बुलाया? अरे मुझे लगा कहीं आग लग गई है। इस तरह भागते नहीं बुलाता तो आप आते क्या?
मुझे भी स्कूल जाना है। नहीं टप्पू, नहीं टप्पू, टप्पू ये गलत किया तूने। अरे घंटी कहाँ भागी जा रही थी, अरे कल ले लेते। माँ इसके लिए तुमने भीड़े की घंटी बजा दी। हे देवा, कौन समझाएगा इस लड़के को। टप्पू ये गलत बात है, ये गलत बात है। अरे इस तरह से फोन नहीं करते बेटा। भीड़े अब आ ही गए हैं तो दे दो घंटी। क्या रिंगटोन? अजीब बात नहीं। मैं क्या कहती हूँ, आए हो तो दे दो ना। तू पढ़ना वो आपका ब्लूटूथ चालू करो। क्या चाचा जी, मोबाइल में एक आपका मोबाइल लीजिए। वाह चाचा जी, टाइम लगता है, रुको। हो गया ये बिगाड़ेगा तो नहीं बिगाड़ेगा। तुमको आता तो है ना। ये लीजिए, हो गया। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि हो गया? पता चल जाएगा चाचा जी, मैं आपको फोन करता हूँ। पता लग गया। कौन सा वाला बटन दबाऊं? हरा वाला। ये हरा वाला बटन दबाया। भीड़े अब बात करो। हाँ बोल। मैं ही क्या बोलूं चाचा जी, मैंने ही फोन लगाया। फोन रख दीजिए। टप्पू क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, सच बता। स्कूल से शिकायत आई है? अरे क्या हुआ मुझे बता ना। बैग दीजिए। ले भाई। अरे टप्पू ये तो अंग्रेजी में है और मेरे लिए तो अंग्रेजी मतलब भैंस बराबर। पापा को प्रिंसिपल ने स्कूल में मिलने बुलाया है। तो ले जा। क्या ले जा, पापा को लंच पे नहीं बुलाया है। अगर मैं पापा को नहीं ले गया तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे। दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे बचाऊं? सिंपल, आप टप्पू के पापा बनकर आइए। क्या? प्लीज दादाजी। नहीं नहीं टप्पू, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ठीक है दादाजी, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे और मेरा फ्यूचर। ठीक है ठीक है, कब जाना है? कल सुबह 11 बजे। देख टप्पू, ये पहली और आखिरी बार मैं तुझे बचा रहा हूँ। इसके बाद तेरी शिकायत आई तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जी दादाजी, और कोई लेटर भी नहीं आएगा। कोई फोन भी नहीं आना चाहिए। वो भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने नंबर ही गलत दिया है। सर आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। जी आप? मैं टप्पू का पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मगर आप तो काफी बड़े लगते हैं। ले बाप तो बेटे से बड़ा ही होता है ना, इतना भी नहीं मालूम? मेरा मतलब है आप तो टप्पू के दादा लगते हैं। अब वो क्या है ना कि मैंने टप्पू को बाप और दादा दोनों का प्यार दिया है। मेरा मतलब आपको समझा नहीं, मैं कहना चाहता था कि एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। मेरे को है ना एक भयानक बीमारी हुई थी और उससे भी भयानक मैंने दवाइयाँ खाई थी तो आधे बाल चले गए और आधे सफेद हो गए। लेकिन मेरी उम्र 42 साल ही है। उम्र 42 की? लेकिन नजर तो आते हैं 65 के। मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे तुम्हें भी एक दिन मेरे जैसे टाल पड़ जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि उम्र क्या होती है और नजर क्या आती है। सॉरी सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। टप्पू तो ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ। अरे एक बार बुला तो सही, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए सारा स्कूल टप्पू की वजह से परेशान है और सारे टीचर्स उसकी शरारतों से हैरान है। आपको पता है उसने मिस परेरा के बालों में च्युइंग गम लगा दिया था, उसकी वजह से उस बेचारी को पूरे बाल निकालने पड़े। हाँ तो उसे बोलो वीक पहन ले। क्या? हाँ। अरे इतना ही नहीं, ये लड़का। एक मिनट प्रिंसिपल, तुमने कभी बचपन में शरारत नहीं की?
की थी मगर अरे मगर बगर क्या, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया होता तो आज तुम प्रिंसिपल बन पाते? नहीं नहीं बताओ मुझे, बताओ बताओ। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इसके बारे में हजारों कंप्लेंट्स आ रही है, ये हद से बाहर जा रहा है, ये होमवर्क नहीं करता है, ये स्कूल लेट आता है। अरे तो क्या करें हैं, क्या करें? अरे इसके वजन से ज्यादा तो किताबों का वजन है, अरे चलते चलते झुक जाता है। अरे ये छोटा बच्चा है, कोई महाबली भीम नहीं है, और तुम लोग बच्चे को स्कूल में डराते हो, धमकाते हो, अरे कोई पठन वसूली करता हो उस तरह से तो होमवर्क मांगते हो। अरे रोज रोज कहाँ से लाएगा ये होमवर्क, अरे क्या झाड़ पे उगता है होमवर्क? और तुम लोग बच्चे से ऐसा व्यवहार करते हो, मैं शिक्षा मंत्री तक जाऊंगा। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो आपके बचपन के दोस्त है, लेकिन वो तो 60 साल के ऊपर है। तो मैंने कब कहा कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है। और रीटा रिपोर्टर को जानते हो, हमारी सोसाइटी में रहती है, मैं ना टीवी पर भी आपके स्कूल के बारे में कहूँगा। ठीक है देखिए आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप ही ने तो बात करने के लिए बुलाया था। नहीं बस आप इतना ही बता देते कि भाई कल से ये शरारत नहीं करेगा तो फिर मैं ठीक है, कल से ये शरारत नहीं करेगा बस। एक मिनट, ये हाथी से टप्पू का इलाज करवाना है? हाय हाय बापूजी मैं तो भूल ही गई, हाथी भाई आप टप्पू का इलाज ठीक से करोगे ना? हाँ हाँ करूंगा ना। एक मिनट बापूजी आप क्या कहते हैं, इलाज इनसे ही करवाए? ये तो मेरी इंसल्ट है, मैं जाता हूँ। अरे 2 मिनट रुक, हमको पहले नक्की तो करने दे। ओ, क्या करें? ये टप्पू को चक्कर भी आ रहा है और मुझे भी यही फिक्र हो रही है, अब क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रही है। एक काम करते हैं, हम दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ? तो मैं चलता हूँ। ये भाई रुक जा, वो दूसरा डॉक्टर कैसे इलाज करता है वो तो सीख के जा। या यू आर राइट। ये आती चले काम कर, आज तुझे ही मौका दे देता हूँ, तू ही टप्पू का इलाज कर, एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाल और टप्पू को फटाफट लगा दे, टप्पू तुरंत ठीक हो जाए। ठीक है। अरे बापूजी लेकिन। अरे वाओ कुछ नहीं होगा टप्पू को, ए आती तू जल्दी इंजेक्शन दे दे। हाँ हाँ। पता है आज मुझे 2 महीने के बाद इंजेक्शन देने का मौका मिला है। नहीं दादाजी प्लीज। प्लीज टप्पू इंजेक्शन तैयार है, ले लो ना। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना प्लीज। अच्छा इंजेक्शन नहीं लगवाना है? भाई चल तू निकल। अरे पर इंजेक्शन। नहीं नहीं लेकिन नहीं, टप्पू को नहीं लगवाना है मतलब नहीं लगवाना है। चल तेरी दुकान में ये डाल इंजेक्शन और दुकान बंद करके निकल इधर से चल। वो टप्पू ने ना बोला मतलब ना बोला, चल। आजकल मेरा नसीब ही खराब चल रहा है। उठा तेरी दुकान जा। टप्पू अब ये तेरा बुखार भगाने के लिए मुझे कोई देसी इलाज करना पड़ेगा। देशी इलाज मतलब कैसे? अरे कुछ नहीं, टप्पू को पंखे से उल्टा टिंगा के नीचे मिर्ची का धुआं करेंगे ना तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। ओ, जा रस्सी ला। नहीं दादाजी मुझे पंखे के नीचे उल्टा नहीं लटकना। अच्छा तो ठीक है दूसरा उपाय, बहू ये टप्पू को है ना गोली में बांध कर रख, पसीना हो जाएगा तो बुखार अपने आप उतर जाएगा, जा गोली लेके आ। ठीक है। नहीं दादाजी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। ये टपुड़ा मैं तेरे बाप का बाप हूँ, मैं जानता था कि तू सब नाटक कर रहा है इसलिए ये सारे उपाय मैंने बताए हैं। क्यों किसी से बीमार होने के नाटक की शर्त लगाई थी क्या? नहीं मम्मी टप्पू अपने दोस्तों के साथ ये नवरात्रि मनाना चाहता है, टप्पू को अहमदाबाद नहीं जाना था इसीलिए ये सब नाटक किया, मुझे यहाँ नवरात्रि मनानी है प्लीज। अरे टप्पू तुझे अहमदाबाद नहीं जाना था तो मुझे कहना चाहिए ना। दादाजी मैंने आपको कहने की ट्राई की पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे फिर से एक बार कहता, ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? देख बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से और तकलीफ बढ़ जाती है,
ये देख तेरे एक झूठ से तेरी माँ को कितनी चिंता हो गई है। अरे दिख रहा टपुड़ा, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। मेरे लाल, हम अहमदाबाद दिवाली में जाएंगे, बस। तुम्हें यहाँ दोस्तों के साथ नवरात्रि करनी है ना, तो कर, हम यहाँ गरबा खेलेंगे। तो अंगार जाना कैंसल। हाँ भाई हाँ, कैंसल। ये! पता नहीं, एकदम चक्कर। और चक्कर आ रहे हैं। लगता है 3-4 दिन तक लेटे ही रहना पड़ेगा। या बाबूचाक, नाटक बंद कर। अभी अभी टप्पू का नाटक खत्म हुआ है, अहमदाबाद जाना कैंसिल हो गया है। सच? अरे बापू जी, तो पहले बताना चाहिए ना, खाली पॉकेट में ही है, चक्कर की एक्टिंग कर रहा था। या चुप रहे, ये तेरा नाटक पकड़ने के लिए मैंने झूठ बोला। हम सब अहमदाबाद जा रहे हैं। दया। चुप। हाँ माँ, कैसी हो? जल्दी में हो? क्यों, किधर जाना है? तू दूध पी ले। ब्रश नहीं किया बापूजी। तू चाय पी। अच्छा, वो अहमदाबाद में हमारे पड़ोसी है ना, कमलेश भाई और कमला बहन, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, तो उसके लिए उन लोगों ने बहुत बड़ी पूजा रखी है। बेवकूफ कमलेश। हाँ माँ, हमारी ओर से हवन में 51 रुपए रख देना। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। पता है, मैंने तो हमारी शादी की 25वीं सालगिरह के लिए क्या क्या सोच कर रखा है, क्या क्या पहनना, किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना, सब सोच कर रखा है। मैंने भी सोच कर रखा है। ए भाई, तू पहले पढ़ाई पूरी कर, फिर अपनी शादी के बारे में सोचना। अरे पापा, मैं मेरी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी की सालगिरह के बारे में तूने क्या सोच कर रखा है? आपके शादी के 25 साल पूरे होंगे ना, तो हम आपकी फिर से शादी करवाएंगे। किससे? मम्मी से। पापा को घोड़े पे बिठा के उनका जुलूस निकालेंगे। जुलूस? अरे जुलूस नहीं बेवकूफ, बारात। ब्रे, इसमें क्या चुप रहे बाबूजी? अरे तू घोड़े पे बैठेगा तो घोड़ा खुद बैठ जाएगा। तो मम्मी पापा को ऊंट पर बिठाएंगे। ऊंट पे ये हाथी? अरे ऐसा खेल तो कोई सर्कस में भी नहीं दिखाते होंगे। चल। से मैं ये आंटी को छोटी माँ कहूंगा। टप्पू, ये तू क्या बोल रहा है? हाँ दादाजी, मैं सच बोल रहा हूँ। ये देखो कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। बोलो, इसने तो अभी मैरिज ब्यूरो चालू कर दिया है। भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? टप्पू, ये तू सब क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी, दादाजी मैं आपको समझाता हूँ। ये आंटी कितनी मॉडर्न है और मेरी मम्मी कितनी सीधी सादी। पापा, मुझे मॉडर्न मम्मी चलेगी। लेकिन मुझे नहीं चलेगी, उसका क्या? टप्पू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये दादाजी। हाँ जेठा, तेरी सजा यही है कि तू इस भोली भाली नादान लड़की को अपना ले। क्या? हाँ, इससे तू शादी कर ले। माता जी, बापू जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे देवता जैसे ससुर भी इसके साथ हो गए। देख बहू, अगर टप्पू को ये नई मम्मी पसंद है तो जेठा को उससे शादी करनी ही होगी। अरे लेकिन फिर मेरा क्या होगा? देख बहू, मेरा तो ये मानना है कि तुम दोनों इस घर में बहनों की तरह रहो, और अगर तुझे नहीं रहना है तो अपनी माँ के पास चली जा। बापूजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे पापा, इतनी मॉडर्न मम्मी, सोचो स्कूल में मेरा कितना वट पड़ेगा। हाँ, और मैं भी ये दया के हाथ की रोज रोज ये दाल रोटी खा के थक गया हूँ। अब ये नई बहू आई है तो वो भी बनाएगी ना मेरे लिए वो सब, वो क्या होता है टप्पू, वो बैगर
बर्गर दादाजी बर्गर। हाँ वही वही, क्यों छोटी बहू बनाएगी ना मेरे लिए? मैं हाँ, मुझे होमवर्क भी कराओगी ना? मैं हाँ, मुझे स्कूल भी छोड़ने होगे ना? मैं अरे ये बकरी की तरह क्या मैं लगा रखा है। सुन, आज से ये पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी। बेटा तू शादी की तैयारी कर, मैं त्रम्बक महाराज को बुला के आता हूँ। रुकिए बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तू फिकर मत कर छोटी बहू, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बाबूजी ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। लेकिन बाबूजी ये शादी नहीं हो सकती। क्यों है? क्यों नहीं हो सकती ये शादी? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तू जेठा को बोल रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सबके सामने अपना लो, अभी हम सब लोग तुझे अपनाने के लिए तैयार है, तो तू ना बोल रही है? अगर तुझे शादी करनी ही नहीं थी तो यहाँ आई क्यों? बोल, बता, सच बताती है कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मैं सब सच सच बताती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आई थी। अच्छा, और तेरा और जेठा का क्या रिश्ता है? नहीं, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तेरे पास तो है ना ये सबूत फोटो? वो फोटो झूठी है, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। माफ कर दीजिए? ऐसे कैसे माफ कर दीजिए? तूने मेरा पूरा संडे बिगाड़ा है। अरे संडे क्या, तू तो मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ने वाली थी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी वापस। ठीक है, नहीं बुलाता हूँ, चल निकल 10 लाख रुपए। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? नहीं बापूजी, ये संस्कार इसने मुझे दिए। क्या? अंदर मुझे बेडरूम ये मुझे मांग रही थी, कह रही थी 10 लाख मुझे दे दो तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, ऐसा बोल रही थी ये। क्या बाबूचा, तो तेरे में और इसमें फर्क क्या? बापूजी ये लेडीज है, मैं जेंट्स हूँ। चुप रे। अरे ऐसे किसी के संसार में आग लगाना कोई अच्छी बात है? हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए तूने ऐसी ओछी हरकत की? बापूजी आप मत समझाइए, ऐसे लोगों को तो पुलिस ही बराबर समझा सकती है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पापा आप चिंता मत करो, इसे सबक सिखाने का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। अभी रिटा रिपोर्टर आती होगी, उसे मैंने फोन पर सब बता दिया है। कहाँ है वो फ्रॉड लड़की? आंटी ये रही। नमस्कार, मैं हूँ रिटा रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कल तक लाइव न्यूज। ध्यान से देखिए इसे, ये सुंदर दिखने वाली लड़की दिल की कितनी काली है। ये मासूम चेहरा आपको अपने प्यार की जाल में फंसाकर आपसे पैसे ऐंठ सकता है। सावधान, देख लीजिए इस चेहरे को, ये आपको फंसा सकती है, आपको फंसा सकती है। अरे मुझे तो फंसाया ही है। तो आपको फंसा सकती है। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज, मैं कसम खाती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज। ए रीटा, ये मेरा बंद करवा दे। या भाई तू निकल, चल रीटा, जाने दे उसे, जाने दे, जाने दे। मैडम सुनिए, आप कहाँ जाएंगी अभी? टप्पू बेटा, तेरा मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। आज तूने अपने पापा को बचा लिया। एक तू ही था जिसने मेरी बात पे भरोसा किया, विश्वास किया, ताकि किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं था। लेकिन टप्पू तुझे पता कैसे चला कि वो लड़की झूठ बोल रही थी? पापा ये फोटो देख के। क्या? हाँ पापा, ऐसी सेम टू सेम फोटो मेरी और आपकी भी है, ये देखिए। अरे हाँ, ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। लेकिन पापा अपना फोटो ओरिजिनल है। पापा ये आंटी ने कंप्यूटर की मदद से मेरी जगह अपने आप को फिट कर लिया। ले, कंप्यूटर में ऐसा भी हो सकता है? हाँ दादाजी, कंप्यूटर की मदद से आपके सिर पे बाल उगा सकता हूँ और पापा को गंजा बना सकता हूँ। लेकिन टप्पू तूने बापूजी को कब अपने साथ ले लिया? अरे मम्मी, आपको मेरी और दादाजी की दोस्ती नहीं पता? बस एक इशारा किया और दादाजी समझ गए।